नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वीर अभिमन्यु अभी भी क्रूरतापूर्ण वार झेल रहे हैं लगातार और अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। वो क्यों इतना सरवाइव कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी पूरी सेना का रक्षण अकेले किया, क्योंकि चक्रव्यूह में और कोई घुस नहीं पा रहा था, जयद्रथ किसी को घुसने नहीं दे रहे थे। अब इस सारी सिचुएशन में अकेले अभिमन्यु ने कमान संभाल रखी है पूरे सेना की, या यूं कह ले आज का पूरा दिन केवल और केवल अभिमन्यु का था और किसी की चर्चा करना आज के दिन व्यर्थ होगा। फिलहाल हम पराक्रम देखने चलते हैं अभिमन्यु, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 239 पार्ट वन में। मेरे पिता से कहिएगा कि मैंने उनके नाम पर लाचन नहीं लगने दिया। मेरी माता से कहिएगा कि मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ। पीड़ा तो हुई होगी सबको, लेकिन कितना खराब महसूस किया। कितनी हिम्मत थी उनके अंदर की और अकेले चक्र में प्रवेश कर गए जबकि सामने से महारथी होता था। आदमी जो नाम सुन के सेना छोड़ दे अपनी, गुरुदेवों का नाम सुन के अपनी गलती वही ले जाओ, बच जाएंगे आप। सबका नाम सुनने के बावजूद हो गया तमाम अंतिम सांस तक। मित्रकर्ण, अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं हुआ है। बात करने जा रहे हैं। समय हो गया है पुत्र, अब तुम शांत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान न मुझे प्राप्त होगा न अर्जुन को, वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है। शस्त्र की शक्ति वीरों से लड़ा
अभी तुम्हें वध का आदेश नहीं दिया था, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्यास्त हो गया है मित्र, जब अभिमन्यु जैसे महारथियों की मृत्यु होती है उसी को सूर्यास्त हुआ। स्पेशली वो पिटराइजेशन स्विच कर रहा है ना भगवान और अर्जुन की तरह, वो और इमोशन पैदा कर रहा है। अभी भी इनके दिल में देखो पांडवों, देखो इस अभिमन्यु की मौत का उत्सव होने वाला है। साइको पैर नहीं होते उस लेवल का दिखता है। चलो अभिमन्यु तुम्हारा सामर्थ्य है, यह तुम्हारी युद्ध कला। छह छह महारथियों ने मिलकर एक बालक को मार दिया। युद्ध कला कहाँ है, मामा की योजना है। अभिमन्यु, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, दिव्य औषधियां लाओ, इसके प्राण बचाओ, चाहे मेरे प्राण ले लो, इसके प्राण बचाओ। नकुल जाओ। कितना पीला पैर रहा होगा, कितना कैसा गहन दुख और विषाद मेरे मेरे हृदय को पसीज रहा है। माधव, किस दुख का अनुभव हो रहा है मुझे, किस दुख का अनुभव हो रहा है जिसका मुझे स्मरण भी नहीं। युद्ध में पीड़ा कब नहीं होती पार, युद्ध हो या जीवन का संघर्ष, शस्त्रों से अधिक महत्व
धैर्य धारण करने का होता है। तुम भी धैर्य धारण करना पार्थ, धैर्य धारण करना। परंतु आज धैर्य धारण नहीं हो रहा माधव, आज धैर्य धारण नहीं हो रहा। मुझे शीघ्र ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ले चलिए, ले चलिए माधव। रथ रुको, कोई अन्य दिखाई दे रहा है। पुत्र, इस प्रकार यहां क्यों खड़े हो? मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था पिताश्री। पुत्र को अपने पराक्रम का आनंद तभी प्राप्त होता है जब उसके पिता उसकी प्रशंसा करें। जब दो लोगों के बीच में अगाध प्रेम होता है, जैसे कहते हैं कि उन दोनों के बीच का जो बंधन होता है अटूट होता है, वो संबंध से ज्यादा प्रेम का, तब इस अवस्था में यदि किसी एक को कोई हानि पहुंचती है तो पता नहीं क्यों हृदय सहसा भयभीत हो जाता है, महसूस करने लगता है कि हाँ हानि हो रही है। बहुत सही परिकल्पना दिखाई है, क्योंकि जब कोई अपना जाता है तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं हृदय में एक आशंका पैदा हो जाती है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है किसी न किसी के साथ, किसी अपने प्रियजन के साथ। ऐसा आप अंदर से ऐसा महसूस करने लगते हैं कि कुछ ना कुछ मेरे खास व्यक्ति के साथ कुछ घटित हुआ है। कुछ तो ऐसे इंसिडेंट भी हैं हमारे इतिहास में, या यूं कह ले कि दंत कथाओं में, कि जिसमें मरणोपरांत व्यक्ति गया, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की पूरी रिपोर्ट लिखवाई उसने पुलिस थाने में, और उसके बाद जब पुलिस ने आके इन्वेस्टिगेशन की तो सब कुछ सही पाया गया। ऐसे कई इंसिडेंट भी हैं, यूट्यूब पे आप ढूंढ लेंगे तो आपको मिलेगा। पर फिलहाल इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की अगर बात करें तो जिस हिसाब की दिव्यता और जिस हिसाब का अनुभव हमने आज किया है, यकीन मानिए आंसू आंखों में भर गए थे। और इसीलिए तो मैंने चश्मा ही उतार दिया, तो पहुंचने में दिक्कत होगी बार बार, दिल पूरा भर आया। एक तो लगातार शूट चल रहा है, इमोशन से कनेक्टेड है। अभिमन्यु की पीड़ा लगातार देखते चले जा रहे हैं, और अब देखना होगा अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से हमें विदा लेते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।